हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अयोध्या के बाद विवादों में काशी, एक मसला सुलझा नहीं, दूसरा उलझाया। दशकों बाद भी राम मंदिर का मसला अधर में ही लटका है। सालों से अदालती कार्यवाही चल रही है। इसी बीच एक और धार्मिक स्थल पर विवाद हो गया। अयोध्या के बाद अब काशी भी विवादों में आ गया। प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद धार्मिक मसले अक्सर चर्चाओं में आ जाते हैं। भले ही राम मंदिर निर्माण में कई अड़चनें हों, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी क्षेत्र में स्थित विवादित जगह भी सुर्खियों में आ गई है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और काशी के संत महात्माओं ने पूजन अर्चन करने के साथ ही नारेबाजी कर इस परिसर को मुक्त कराने का संकल्प लेकर मंदिर की परिक्रमा की। पिछले 32 वर्षों से चैत्र नवरात्रि शुक्ल चतुर्थी को माँ श्रृंगार गौरी का षोडशोपचार विधि से पूजन करती है और हम यह संकल्प लेते हैं कि बाबा विश्वनाथ यहाँ से मुक्त होंगे। और अब तो आशा इसलिए जगी है कि जब से सिया वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि इन 12 मंदिरों में सबसे पहले 3 अयोध्या मथुरा और विश्वनाथ को मुक्त करके मुस्लिम समाज अपनी सदाशयता का परिचय दे, तो हमें लगता है कि यह 32 वर्षों का संकल्प अब रंग ला रहा है और हमें ऐसा विश्वास है कि यह संकल्प जरूर पूरा होगा। किसी दूसरे के धर्म स्थल पर बलात् कब्जा करना, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। हाँ, अभी हम लोग श्रृंगार गौरी जी, चूँकि बाबा विश्वनाथ का जो प्राचीन स्थान था उसके पश्चिम में उनकी स्थिति बताई जाती है। श्रृंगार गौरी का एक मंडप है, उस मंडप की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हीं से बाबा विश्वनाथ को जाने का मार्ग निकलता है। हम माता श्रृंगार गौरी से कहेंगे कि बाबा तक जाने का मार्ग हमको फिर से दो। नवरात्र के चौथे दिन सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है, जो ज्ञानवापी स्थित विश्वनाथ मंदिर से सटे विवादित मस्जिद के पश्चिम भाग में स्थित है। लिहाजा ये मंदिर सुरक्षा कारणों से हाई सिक्योरिटी में होने का कारण दर्शन सहित पूजा पाठ पर भी रोक है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और काशी के संत महात्माओं ने इस जगह पर पहुंचकर दर्शन पूजन अर्चन किया। इस स्थान पर पहुंचने से पहले चौक स्थित सत्यनारायण मंदिर से जय उद्घोष और शंख ध्वनि के बीच यात्रा निकली, जो सौभाग्य गौरी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन के साथ समाप्त हुई। आपको बता दें कि सीएम बनने से पहले योगी भी ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की बात कह चुके हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के भारत माता मंदिर में आयोजित सभा के मंच से मस्जिद को लेकर कहा था कि विश्वनाथ मंदिर जाने में ज्ञानव्यापी मस्जिद मुंह चढ़ाता है। हालांकि सूबे की कमान संभालने के बाद उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।